किया गया है उससे ये हुआ है कि जो ट्रांसमिनेज लेवल्स थे वो कम हुए हैं, जैसा कि एलेनाइन ट्रांसमिनेज है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है, अस्पार्टो एमाइनो ट्रांसफरेज है जिसको AST भी कहते हैं। उसके अलावा ये है कि इसकी जो हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें उसका जो है वो अफेक्ट हेपेटोसाइट्स पे सबसे पहले है एंटीऑक्सीडेंट, एंड इसका एंटीऑक्सीडेंट अफेक्ट हेपेटोसाइट्स पे ये क्या करते हैं इनहेबिट करते हैं फ्री रेडिकल्स को। उसके अलावा जैसा कि एथेनॉल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसके अलावा ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को और इनहेबिट करता है रेडिकल फॉर्मेशन को। उसके बाद ये है कि ये इंक्रीज करता है जो एक्टिविटी है सुपर ऑक्साइड डायमोटेज की और सीरम लेवल जो है ग्लूटाथायोन और ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज का। उसके बाद यह है कि इसकी एंटी फाइब्रियोटिक सब्सटेंस भी है ये एक। उसके बाद ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये क्या करता है रेगुलेट करता है साइटोकाइन्स की, मतलब कि अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो ये रेगुलेट करता है साइटोकाइन्स को। उसके अलावा इनहेबिट करता है COX2 को, ये वो एंजाइम है जो क्या करता है कि ये जो सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन है जो स्पीड अप करती है इन्फ्लेमेशन और पेन को उसको जो है ये कम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ये भी क्या करती है कि जितने भी ट्रांसमिनेज लेवल हैं जैसा कि ALT है, AST है, इनको क्या करता है कम करता है, क्योंकि इसमें जो है वो हाई लेवल में फ्लेवोनॉइड्स हैं। उसके बाद एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। उसके बाद इसमें कैटेचिन होता है, ये क्या है कि ये मेन फ्लेवोनॉइड है ग्रीन टी में, ये क्या करता है डिक्रीज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। उसके बाद थर्ड है टर्मेरिक, जिसको हम लोग आम जुबान में हल्दी कहते हैं, ये क्या करता है डिटॉक्सीफाई करता है हेपेटिक सेल्स को, इसको जो है वो दूध के साथ लेना जो है वो बेस्ट है। उसके बाद यह है कि कैमोमाइल टी, ये क्या करता है क्लींस करता है लीवर को, उसके अलावा इसका एक नर्विंग एक्शन है बॉडी पे। उसके बाद इसमें जो है वो सेस्की टर्पेंट इलेक्ट्रॉन होता है जो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में। उसके बाद है पीपरमेंट टी, ये क्या करती है ये हेल्प करती है डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में, क्योंकि जब लीवर जो है वो ठीक तरह जो है डाइजेस्ट वगैरह नहीं करेगा उसकी वजह से जो है वो स्टमिक इशू भी हो सकता है, फूड स्टैग्नेशन हो सकती है जो कि एक कॉमन सिम्टम है ओवर ईटिंग का, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो पीपरमेंट टी जो है वो बेस्ट है। उसके बाद है जिंजर और लेमन टी, ये क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन्स को और इम्प्रूव करते हैं बॉडी मेटाबोलिज्म को। उसके बाद आ जाता है कि टर्मेरिक में जो है ये क्या करता है टर्मेरिक टी ये है कि ये रिपेयरिंग करती है लीवर सेल्स को, क्योंकि इसमें होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन के क्या काम है ये फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स को और इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो रिपेयर करते हैं लीवर सेल्स को, उसके अलावा बूस्ट करते हैं बाइल प्रोडक्शन को। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एलोवेरा जूस भी जो बेस्ट है वो भी क्या करता है फ्लश करता है टॉक्सिन्स को लीवर से। उसके बाद लास्ट है जिनसेंग, ये क्या करता है रिस्टोर करता है लीवर बैलेंस को, उसके अलावा रिड्यूस करता है अफेक्ट ऑफ सिट्रस, उसके अलावा ये है कि ये बूस्ट करता है बाइल को और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम हैं उनको। नेक्स्ट आपको डॉक्टर निम्रा शाहिद इसकी जो है वो डाइट के बारे में बताएंगी। थैंक यू।